गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं श्री विजय अध्यायी बीकापुर गाजीपुर से विश्वनाथ सर और सिंह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो नीमी से दिया गया है, नीमी बुक समिति से दिया गया है। तो आइए देखते हैं और सिंह में किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है या बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा और निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है ए 3 स्क्वायर mm, बी आपका दिया है 3.5 स्क्वायर mm, जबकि सी ऑप्शन आपका है 2.5 स्क्वायर mm, जो कि ये बहुत ज्यादा है क्योंकि आपका मिनिमम पूछा है, न्यूनतम पूछा हुआ है, जबकि डी ऑप्शन है आपका 1.5 स्क्वायर mm। तो 1.5 यानी कि इसका अधिकतम हम लेते हैं, अगर एच डब्ल्यू जी से देखा जाए 8 HWG घरेलू होता है, लेकिन जब इसका मिनिमम अगर हम कम करते हैं तो बहुत कम 1.5 इसका जो स्क्वायर एमएम होता है यह सबसे कम होता है, इसलिए हमारा पहला का ऑप्शन डी सही है, बाकी अन्य 3 ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है 112। आइए देखते हैं इसमें पूछ रहा है आपका, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। बस इसमें आपका क्वेश्चन साफ कह रहा है कि अगर हमें प्रतिरोध का मान कम करना हो तो हमें जो पद्धति प्रयोग करते हैं वो कौन सी है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जिसमें आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ा देते हैं तो क्या उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यह दिया हुआ है कि धरती के गड्ढे में हमेशा गीला स्थिति रखना, यानी कि जो हम अर्थिंग के लिए चाहे वो हमारी प्लेट अर्थिंग हो या पाइप अर्थिंग हो, उनके जो हम गड्ढे खोदते हैं उनमें हमेशा गीलापन की स्थिति बनी रहे तो अर्थ प्रतिरोध का मान कम हो सकता है। सी वाला दिया है आपका, गड्ढे में और रेत तथा चारकोल को भरना, तो यह तो ऑप्शन जो आप रेत जो सामने दिया हुआ है तथा चारकोल, तो रेत के हिसाब से आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से ही गलत हो जाएगा, जबकि आपका डी दिया हुआ है इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना। तो इस आपको मैं एक चीज बताऊं, इसमें जो आप देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोड की आप लंबाई बढ़ाते हैं, किसी भी वायर की अगर आप लंबाई बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसी तरह क्या है, गलत हो गया था। बी में कि धरती के गड्ढे हमेशा गीला स्थिति, तो आप जो धरती के गड्ढे बनाए जाते हैं उनमें तो नमी हमेशा ऐसे ही होती है, परमानेंट नमी होती है, तो उसको तो बढ़ा नहीं सकते जो परमानेंट नमी है, जबकि सी आपका गलत है, इसलिए आपका दूसरा जो क्वेश्चन था उसका डी वाला सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोड का जब व्यास बढ़ाएंगे तो व्यास बढ़ाने से होता क्या है कि करंट का मान क्या होता है, आसानी से प्रवाहित होगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो अर्थ के लिए वो उचित वायर होगा,
इसीलिए आपका नंबर आपका डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा यानी कि आपकी स्क्रीन पे 113 नंबर दिखाई दे रहा है। इसमें आपका दिया हुआ है अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है करंट का नियम नियमन करें, यानी कि करंट का हम जब नियमन करते हैं तब प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग हम एसी पे करते हैं। अगला आपका दिया हुआ है वोल्टेज पाथ बढ़ाएं, यानी कि जब हम एसी का उपयोग करेंगे उसमें क्या वोल्टेज पाथ बढ़ाएंगे। जबकि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है वोल्टेज पाथ घटाएं। बिल्कुल जिससे वोल्टेज पाथ घटाएंगे तो ऐसा तो नहीं सकता, जब वोल्टेज पाथ ही घटता जाएगा तो मान ऐसे हमारा सही नहीं बताएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है गलत है। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं डी, विद्युत अपघट्य बल को हटाना। जो हमारा अपघट्य विद्युत या कह सकते हैं इसको अपघट्य विवा बल को हटाना, तो यानी कि जो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट जो ये है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि अर्थ प्रतिरोध परीक्षण के लिए इसी का हम उपयोग करते हैं ताकि अर्थ के प्रतिरोध के मान के लिए एसी की आवश्यकता हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा यानी कि 114। इसमें दिया है एक एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है। तो इसमें देखिए आपका होता क्या है कि एक मैंने आपको चित्र देखिए नीचे बनाया हुआ है, जो एक त्रिभुजा आकार में है, G सबसे ऊपर होती है और उनके बटा में I और R के बीच में एक पाई खींचा गया जो त्रिभुजा आकार तीन कॉलम बन चुके हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमको नीचे से वोल्टेज निकालना है तो अपने उंगली से या अंगूठे से उसको क्या करते हैं ढक लेते हैं, बाकी जो चीजें बचती हैं उसके सामने सेम कुछ है। अगर बटा में जिस प्रकार से उसके हिसाब से हम क्या करते हैं लिख लेते हैं, तो भी बराबर देखिए अब भी को जैसे हम सौंपेंगे आपका आई और आर बचेगा, तो भी बराबर आई और आर को लिख लेंगे। जबकि आई अगर निकालना हो हमें आई बराबर होता है भी देखिए ऊपर है आर बटा बराबर क्या है नीचे, यानी कि भी बटा के आर हो जाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार हम आर को अपने उंगली से ढकेंगे और देखेंगे तो आर को जैसे ही ढकते हैं हम भी बटा के आई होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है सही है, क्योंकि भी बराबर होगा आई इंटू आर। यानी कि जो 114 नंबर ऑप्शन चौथा आपका है क्वेश्चन उसका ऑप्शन ए वाला सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आईई नियम के अनुसार पावर उच्च परिपथों के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या हो। ये पूछा है कि जो पावर के उच्च परिपथ होते हैं जो वायर होते हैं उनमें कितने वाट का लोड डाला जा सकता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 800 वाट, जबकि आपका बी दिया हुआ है 1500 वाट, सी आपका दिया हुआ है 2000 वाट, डी आपका दिया हुआ है 3000 वाट। तो इसमें देखा जाए तो आपका नियम जो आईसी का नियम कहता है कि जब कोई लाइट और फैन सर्किट हो उसमें मात्र 800 वाट तक लोड दे सकते हैं, जबकि पावर सर्किट में
3000 वाट का दूर दे सकते हैं। तो यानी कि परिभाषा के हिसाब से जो हमारा बनता है 115 नंबर यानी सातवां जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका सी वाला ऑप्शन सही है, बाकी अन्य तीन ऑप्शन गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? थोड़ा सा आप क्वेश्चन घुमाया हुआ है, इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है उपभोक्ता मुख्य बोर्ड से, मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आईजी कट आउट, बी दिया हुआ मुख्य ड्यूट, सी दिया हुआ एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मापी, डी आपका ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी कि वितरण बोर्ड। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा आइए देखते हैं। तो देखिए जब मुख्य बोर्ड की बात करता है तो जो मुख्य बोर्ड होता है वो सीधे ऊर्जा मापी से भी जुड़ा होता है, यानी कि इसमें एकदम क्लियर है कि 116 का हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आइए अगला देखते हैं। घरेलू वायरिंग स्थापन में परीक्षण का क्या प्रकार है, यानी कि चित्र बनाया हुआ है पूछ रहा है कि जो परीक्षण है कौन सा परीक्षण किया जा रहा है, कम क्वेश्चन पूछ रहा है आपका पहला है सोलर स्विच से। तो जो सोलर स्विच से होता है यह देखने के लिए किया जाता है कि सभी स्विच फेज तार में लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए, उसी को हम सोलर स्विच टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट से हम यह चेक कर सकते हैं कि वाकई में हमारा फेज वायर से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। अगला आपका निरंतरता या खुला परिपथ जान, तो इस आइए थोड़ा सा विधेयक देते हैं सोलर स्विच टेस्ट होता क्या है। इसमें सभी तार को स्विच में क्या करते हैं ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बल्ब को हम क्या करते हैं निकाल देते हैं, और मेरे को घुमाने पर अगर सुई की रीडिंग शून्य पर है तो हमारा परीक्षण क्या है सही है, अन्यथा हमारा पूरा क्या है गलत है। इसमें देखिए अगला आपका है कंटिन्यूटी ओपन सर्किट टेस्ट निरंतरता या आप कह सकते हैं खुला परिपथ। तो इसमें होता है किसी लोग को स्विच को ऑन करने पर अगर वो नहीं जलता है तो इसका कारण यही हो सकता है कि वह जो हमारा फ्यूज होता है कहीं ना कहीं हमारा क्या है ओपन फॉल्ट है। इस प्रकार से यह हमारा क्लियर हो जाता है यह ओपन फॉल्ट है, तो यह चेक करते हैं। अगला आपका चालक के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जाँच करते हैं, इसका भी हम क्या करते हैं जांच कर लेते हैं चेक कर लेते हैं। अगला आपका चालकों में भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जाँच, तो यानी कि इसमें दिया हुआ देखिए स्विचिंग ऑफ मेन क्वेश्चन ऑफ है, इसका मतलब हमारा 117 का ऑप्शन नंबर क्या है सही है फुल अच्छी से यानी कि धुआता से ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगला देखते हैं दिया हुआ घरेलू वायरिंग और स्थापन के अनुमत रिसाव वर्तमानते हैं जिनके जो हमारा होता है बोलते जो कितना होता है आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका कि जो होता क्या है कि जब नई वायरिंग में लीकेज करंट जो होता है यह माना जाता है कि कुल करंट का 1/50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। 1/5 पूर्ण भार धारा जो कि आपका गलत है, बी दिया हुआ है 1/50 पूर्ण भार धारा ये भी गलत है, सी दिया हुआ है 1/ आपका 500 पूर्ण भार धारा यानी ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत है, जबकि डी दिया हुआ है 1/5000 पूर्ण भार यानी कि जितने भी भार हैं उनका 1/5000 ऑप्शन नंबर हमारा 118 का डी सही है। आइए अगला देखते हैं क्या आपका दिया हुआ है।
दिया है कि विविधता गुणांक की गणना करने के लिए, विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अगला पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर मैक्सिमम लोड बटा के इंस्टॉलेड लोड। आइए अगला देखते हैं, आपका बी वाला दिया हुआ है डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर इंस्टॉलेड लोड बटा के मैक्सिमम लोड। अगला सी दिया हुआ है डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर मिनिमम एक्चुअल लोड बटा के इंस्टॉलेड लोड। डी वाला दिया हुआ है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर इंस्टॉलेड लोड बटा के मिनिमम एक्चुअल लोड। इन ऑप्शनों में ए बी और डी ऑप्शन गलत है, जबकि आपका सी वाला ऑप्शन सही है। डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है मिनिमल एक्चुअल लोड बटा के इंस्टॉलेड लोड। अगला देखते हैं आपका जो 120 है, यानी कि दसवां क्वेश्चन, नए घरेलू वायरिंग स्थापन का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको पूछ रहा है कि जो नई घरेलू वायरिंग होती है उसका परीक्षण करने के लिए हमें किस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। पहला दिया है मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर हम आपको बता दें वो मीटर जो एसी डीसी करंट रेजिस्टेंस इत्यादि को मापे उसे हम मल्टीमीटर कहते हैं। अगला है आपका मेघर, तो जो मेघर है हमारा यह वह नियंत्रण है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने का कार्य करता है, यानी जो शंट टाइप और सीरीज टाइप का सी और डी दिया हुआ है इससे हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस को मापते हैं। तो यानी कि इन चारों में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, 120 का बी यानी कि मेघर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।